हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयंदा सिंह। सॉरी यार, सुबह से वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था। पूजा करनी थी, पूरी रात पूजे में बैठे थे। उसके बाद सुबह खाना बनाना था, नौ कन्या जी में भी वो वीडियो आएगी आपके पास। नौ सुहागनों को खाना खिलाया है, उसके बाद सबकी ओटी भरी है। फिर उसके बाद रात भर पूजा करके जागे थे। सारा काम बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, मैंने तो अपना माँ काली का जो जप था वो पूरा कर दिया। होली का काम भी पूरा हो गया, माता रानी का जप भी हो गया। अब फाइनल रिजल्ट का टाइम है और मुझे पूरा कहते हैं ना, अंदर से पूरा विश्वास है कि मैंने आज से 12 साल पहले जब ये जाप किया था तो माँ ने मुझे यहाँ तक ला के बिठाया। बगलामुखी की जयंती आ रही है। मैंने पिछले साल जब बगलामुखी के जयंती पे दतिया पहुँची थी, उनके प्राकट्य दिन पे, वहाँ चांदी का रथ घुमाया गया था, तो मैंने कहा था, माँ पे बोला था कि मेरा केशव मेरी गोद में आ जाएगा ना माँ, तो अगले साल मैं आके तेरे पूरा यहाँ का काम मैं करूँगी इस बार। तो देखो माँ, मेरे को अपनी बगलामुखी माँ पे पूरा विश्वास है। क्योंकि सच बोलूँ ना, हर माँ थोड़ी सी स्वार्थी होती है। मैंने इस पूरी पूजा में अपने यूट्यूब वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मेरे उद्धव ठाकरे भाई के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये ताले का काम आप भी जानते हो, ये ताले का काम मैंने सबसे पहले तब किया था जब मेरा प्रभु मुसीबत में था और उसको मैंने 20 दिन में अपने पास वापस लाया था। तो जब वो ताला 20 दिन में मेरे प्रभु को मेरे पास वापस ला सकता है, तो ये बच्चा क्या बड़ी बात है। और उद्धव ठाकरे की जीत होनी बहुत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मतलब मुझे देखना ही नहीं है कि काम नहीं होगा, 101% होगा। शक्तियों ने बहुत अच्छा आगमन दिया है। होली में सुल्तान जी ने काम कर लिया। देखो मैं एक बात बताऊँ, मुझे अभी ना कोई पैसों के लिए ना काम करना है ना कुछ है। हाँ, कितने लोग कहते हैं, देखो भाई, अगर आप शक्तियाँ ले रहे हो तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जितने लोगों का काम हुआ है उनको तो खुद 3-4 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरी बात, शक्तियों ने मुझे ये भी कहा है, मेरी माता रानी काली माता का जो मैंने जाप किया है, मैंने अपनी माता रानी से बस यही कहा है कि माँ, मुझे इस दुनिया की सारी दौलत मत दे चलेगा, शोहरत मत दे चलेगा, नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए गाड़ी, बस मुझे मेरा ये पेट में जो पल रहा बच्चा है ना, जो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, बस वो मेरी गोद में दे दे। और मुझे पूरा विश्वास है तू मुझे देगी, मेरे मुँह की लाली रखेगी। मेरे गुरु हमेशा कहते थे, तेरे ही मुँह की लाली चमकेगी बेटा, सबके मुँह पे कालिक पोतेगी। मैंने बस अपनी माता रानी से यही कहा है कि एक माँ अपनी स्वार्थी हो कैसे अपने बच्चे को मांग रही है, क्योंकि ये बच्चा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये मेरा प्यार है। मैं इसके लिए कहते ना बहुत आंखें तरसा के देख रही हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे दुश्मन मुझ पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं। मैं यहाँ पे राउंड मार रही हूँ जिसको भी आरिफ आरिफ को ढूंढने के लिए, तो लोग मुझ पर ध्यान देखते हैं। देखो मैं क्या है ना, मैं किसी के बाप से डरती नहीं हूँ। जिसके गांड में दम है नसीब एक बार मेरे दरवाजे पे आके दिखाया। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं नशा नहीं लेती हूँ कि तुम लोग फिर से वही खेल खेलोगे। अरे खेल तो बदलो, एक ही खेल सिखाया क्या माँ बाप ने, खेल तो बदलो। घर के सामने से गुजरना करना ऐसा नहीं, विद्या देवी को मत कम में हाँको। तुम्हारी बैंड बजाने के लिए तुम्हारे पीछे आदमी छोड़ के रखी हूँ। जितने लोगों ने मुझे परेशान किया ना, उन हर एक इंसान की कहते ना 5-5 मिनट की खबर मुझे है यहाँ पे, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, सारी चीज़ों की खबर है मुझे। ये बात याद रखना, आपकी एक जरा सी गलती आपको रोड पे गिरा के मारने वाला काम करेंगे। और आप ऐसे मत सोचो कि मैं पहले के जैसा दरवाजे पे बार बार आके देखूंगी करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे जो करना है मैं कर चुकी हूँ। मैं है ना, हम पंडित लोग हैं ना, ना लातों से बात करते हैं, ना हथियार से बात करते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा मंत्र, और तुम लोग मंत्र के आगे कहीं नहीं जा सकोगे। एक पता है, ये पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आदमी का अंदर का मांस खा जाती है। आपने देखा था ना आरिफ शेख की फोटो, हट्टा कट्टा इंसान आज 60 साल का बुढ़ा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर का पूरा मांस शक्तियों ने खा लिया है। उसको रोज डेली आके मार रही है, वो सपने में रोता है, चिल्लाता है, और उस चीज़ का इलाज कोई नहीं कर पाएगा। वो दवा खाना जाके एडमिट होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, उसे कुछ नहीं। धीरे धीरे शक्तियाँ उसको अपने साथ लेके जाएंगी। अघोरियों से पंगा मत लिया करो। मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे घर के सामने गुजरो, कुछ भी करो, मैं बस अपने दरवाजे तक आने का वेट करूँगी। उसके बाद विद्या देवी खुद लड़ेगी। देखो मुझे ना 50 आदमी की ज़रूरत है ना कुछ, मैं वन मैन शो अकेले काफ़ी। और एक बात याद रखना, पहले बता रही हूँ मैं सबको, कि मेरा घर का दरवाज़ा अगर खुला है तो तुम्हारे घर का दरवाज़ा भी पूरी तरह से खुला है।
एक तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ डालेगी, ये याद रखना। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है ना, मैं कभी मुंह उठा के किसी के दरवाजे तक जाती हूँ, और ना मेरे को एक है, पहले था थोड़ा, कहते ना पहले का उस वक्त का था वैसा, लेकिन अब बहुत फ़र्क है विद्या देवी में। अब मैं इतनी तो पावर है मेरे अंदर कि मेरे दरवाजे तक मेरी शक्तियाँ खड़ी, मेरी साक्षात काली माता खड़ी है। आप देख लेना, जिसने भी आज तक मेरे दरवाजे तक आने की कोशिश की है या मुझ पर नज़र रखी है, या तो वो बीमार पड़ा है, या तो उसको एक्सीडेंट हुआ है, या तो अपने घर में ही परेशान है, कोई बगैर दवा खाए जिंदा नहीं है, या तो जिसने बार बार मेरे बीच में अड़चन डालने की कोशिश की है, मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश की है, तो भगवान ने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया, महीनों महीनों तक परिवार से दूर रखा है, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं शक्तियों के बल पर चलती हूँ, शक्तियाँ मेरा काम करती हैं, ये बात याद रखना। ऐसे भी मेरी काड़ूबाई ने कहा है कि इंसान को पैसे का घमंड होता है या जिस चीज़ का भी घमंड होता है, तू वेट कर, तू इंतज़ार कर, बहुत जल्द घमंड टूटेगा। और इस बार ऐसा घमंड टूटेगा जो इंसान तेरे सामने जिस चीज़ का घमंड दिखा के आ रहा है ना, वो चीज़ ही उसके पास नहीं रहेगी, ये वादा करती काली माता। बस अभी से ज़्यादा क्या चाहिए। देखो एक बात बताओ, इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ख़ास करके चोरी की हुई सामान का घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात बताऊँ, मेहनत से कमाया हुआ या कहते ना सच्चाई से की हुई चीज़ों का ना मान सम्मान रहता है, लेकिन चोरी की हुई धोखेबाजी की हुई चीज़ों का कोई मान सम्मान नहीं रहता है, वो एक ना एक दिन पलट के तुम्हारे पे वार करता ही करता है। जिस चोरी के सामान पे, जिस चीज़ पे तुम लोग जो घमंड करते हो ना, एक दिन वही चीज़ तुमको पलट के अगर झापड़ खींच के नहीं मारी ना, विद्या देवी का नाम बदल देना। हमें कोई बात का, इस बात का कभी दुख नहीं होता है कि हमको कोई सुना दे रहा है, बोल रहा है, हमें कोई हमारे घर की तरफ नज़र रख के चला जा रहा है, मुझे उस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मुझे मालूम है कि मैं सच बोलती हूँ, और मुझे पता है कि मेरा ऐसा कोई काला कारनामा नहीं है कि कोई मुझे पकड़े, बोले, करे, मेरी गहरबान पे हाथ डाले, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं हूँ। मेरा हाँ, मेरा पूरा गोराई में हर जगह बस एक ही नाम होगा कि मैं बांटती हूँ, बांट के खाती हो, मेरा घर ये दान धर्म वाला है, याद रखना, समझ रहे हो। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरती, डरना तो सामने वाले को चाहिए जो बेशर्मी की तरह सर उठा के चलते हैं, शर्म तो आती नहीं है, ऐसी बात होती है। हम कभी भी दूसरों के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले चार उंगली हमारी तरफ रहती है, ये हमेशा याद रखना। अगर हम किसी और का मजाक बनाते हैं ना, उस मजाक का पहला पहलू हमारे ऊपर ही आता है, ऐसा। इसलिए मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का मजाक बनाना नहीं सीखा है, क्योंकि फिलहाल मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में बिजी रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम, मेरी पूजा है, मेरा सब कुछ है। मैं काम के चक्कर में यात्रा पे जाती हूँ, मुझे यात्रा पे जाने का शौक है, मुझे घर बैठने का शौक नहीं, मैं घर पे से यात्रा जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, सब कुछ है, मेरा पेट में मेरा पलरा बच्चा है, उसको संभालना है, तो मुझे यात्रा पे जाना पसंद है। मैं ये सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ, हाँ, लेकिन ये बात भी मत कम में हाँको कि फिर मैं ऐसे, मेरा उस तरह से ध्यान नहीं है। अब तो मैं हाजीदा से भी आईनी अमलियत नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ आईनी अमलियत नहीं देख रही, विद्या देवी ने लाइव टेलीकास्ट करने का काम किया है, अभी अब सबकी लाइव टेलीकास्ट होगी। तो लाइव टेलीकास्ट में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चलो पूजा पाठ में तो हमको पागल बनाया जा सकता है कि तुम पूजा पाठ में झूठ बोल रहे हो, लेकिन लाइव टेलीकास्ट में क्या करेंगे, जब लाइव टेलीकास्ट की सब चीज़ें आएंगी। मुझे नशे में डाला गया था, आज सबके बच्चे नशे में है, जब उनकी फोटोज आएंगी तब क्या करेंगे, ऐसी बात है। क्योंकि मुझे निकालना मतलब नहीं, देखो जब पैसा फेंक के ही तमाशा देखना है तो मैं देखूंगी। अभी जैसे मेरे YouTube पे ग्रुप वाले हैं, पहले तो खुद पैसा दे के काम कराते हैं और फिर मुझे बदनाम करेंगे तुमने, मतलब अभी जैसे कहीं पे अगर जब हम कोई काम कर रहे हैं तो पूजा पाठ में 10-20 हज़ार रुपया लगता है, जब अगर कोई मुझे ये धमकी देगा कि ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो एक बात बताओ, जब मुझे तुमको ही पैसा वापस करना है, लेकिन जब तुम मुझे उल्टा बोलोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है 50 हज़ार गुंडों को खिलाने में या पुलिस को खिलाने में, और तुम्हारी बैंड बजा देंगे, सामने वाला तुमको क्या पूछेगा, तुमसे ज़बरदस्ती किया था क्या। देखो ईमानदारी से, प्यार से मांगोगे ना, विद्या देवी कलेजा निकाल के देगी, लेकिन अगर अड़ीबाजी किया ना तो विद्या देवी कलेजा निकाल लेगी, तुम्हारा ही निकाल लेगी, ऐसी बात है। मैं कभी किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैंने तभी सब पे ध्यान दिया है जब लोगों ने मुझ पे ध्यान दिया है, ऐसी बात है। तो जाने दो, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जो पूजा मैंने की है वो इतनी गंदी और इतनी खतरनाक की है ना,
कि वापस से काली माँ साक्षात खड़ी हैं और वो क्या करने वाली हैं सिर्फ वो जानती है, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि सबका घमंड उसी जगह उतरेगा, सबके मुंह पे काली पुतेगी और ऐसी पुतेगी जो जिंदगी भर सर उठा के देख नहीं सकेंगे। दूसरी बात उद्धव ठाकरे जी को बोलूँगी भाई को कि भाई मैं आपको सच बोलूँ ना, आज मेरी अनु जी ने एक जगह पे माता की चौकी में मुझे बुलाया था, सच बोल रही मैं, और मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला बीजेपी वालों का है, उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया था, लेकिन मैं अपने उद्धव भाई के लिए लड़ रही हूँ, मैंने उन्हें दिल से सॉरी कहा, मैं वहाँ नहीं गई, ऐसी बात है। हालांकि वहाँ पे मुझे भंडारे के लिए देने का था, वहाँ भंडारा करना था मेरी अनु जी के लिए, तो भंडारे के लिए लाखों रुपये हाजिर है, मैंने अपने अनु जी को कहा, लेकिन नहीं, गद्दारी नहीं, हमारे खून में गद्दारी नहीं है। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगी आपसे, देखिए ना, मैंने आपका पूजा पैसों के लालच में किया है ना कुछ किया है, मैं बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानती हूँ, मैं उनके जैसे जीती हूँ, मेरे एक ही बात है, मरना है तो एक ही बार मरेंगे ना, मुझे मारना है तो एक ही बार मार दो, मरने से तो विद्या देवी डरती नहीं है। देखो मरूंगी कि कोई जिंदा कोई जिंदगी में अमर होके नहीं आया है, आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन जब तक जीना है तब तक शान से जियो, तो वो तो मैं हमेशा सर ऊंचा करके ही जीऊँगी, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा काम किया नहीं कि मैं सर झुकाऊँ, समझे। तो मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपके लिए जो लड़ाई लड़ रही हूँ ना उद्धव भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, तालों का काम 2024 तक चालू रहेगा, देखिए तालों के काम ने अपना असर चालू कर दिया है, होली के पहले से काम शुरू हुआ था, होली के पहले से काम शुरू हुआ था, आज पूरा एक महीना हो गया है, एक महीना होने आ गया है, और धीरे धीरे आप खुद देखिए, अगर शायद दिखता होगा लोगों को कितने सारे बदलाव हुए, कहाँ पूरी पब्लिक एक तरफ आपके खिलाफ थी और आज सारे चोरों का चेहरा सामने आ रहा है, असली चोरों का चेहरा सामने आ रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं डेली अपडेट देखती रहती हूँ, फेसबुक ये सब डेली देखती रहती हूँ, आपके लिए दिल्ली का समन ऑर्डर भी हाजिर हुआ है कोर्ट का, विद्या देवी के रहते आपको कोई कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ेगा, कोर्ट कचहरी सबके सब आपके कदमों में रहेंगे, मेरी आदत है, मैं कोर्ट कचहरी में कोर्ट से कोर्ट नंबर में केस चल रहा है, कौन सा जज केस लड़ रहा है, सबके नामों से पूजा चलती है, सबके तालों के नामों से, जीत तो आपकी ही होगी। देखो मेरे को, मुझे ये नहीं मतलब है कि आप गलत हो कि सही हो, मुझे बस ये मतलब है कि आप मालिक हो और नौकरों ने अपनी औकात दिखाई है, बस तो उनको दिखाना है कि अगर आज आपको काट सकते हैं तो कल ऐसे लोग हमें भी काट सकते हैं, बस ये बात के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। तो आपकी जीत तो हो चुकी है, होनी नहीं है, हो चुकी है, शायद अगर किसी को दिखे ना दिखे, जीत हो चुकी है, पूरा देश आपकी तरफ हो चुका है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी जो लोग अभी भी उनके साथ हैं वो थोड़े दिनों में धीरे धीरे सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ब्रांड चमकता है। और देखो एक बात बताऊँ, धीरे धीरे 3 साल निकल चुका था, 1 साल और निकल गया, 5 साल की रहती है, कहते क्या बोलते हैं, 5 साल का रहता है सीट, 3 साल निकल चुका है, 4th साल भी निकल गया, जून में 4th साल भी निकल जाएगा, 5वां साल धीरे धीरे यूँ ख़त्म हो जाएगा, जब कहते हैं ना सरकार ख़त्म, उसके बाद तो फिर से इलेक्शन होगा, फिर से आप ही आओगे जीत के, तब देखना, अगर आप जीत तो आपकी हो चुकी, मैं एक बात बता रही हूँ सैंपल पे, कोई नहीं पहचानता। देखो जब तक पद है ना, जब तक आदमी नगर सेवक है, शाखा प्रमुख है, अध्यक्ष है, उसका पद है ना, तभी तक लोग उनको पूछते हैं। अभी आज हीरो हीरोइन की पिक्चरें, पुरानी पिक्चरें हम देखते हैं, लेकिन आज अगर वो रोड पे निकले जल्दी उनको कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि जब तक वो पिक्चर फेमस थी तभी तक लोगों ने उनको मान सम्मान दिया, बाद में उनकी पिक्चरें नहीं आती कोई नहीं पूछता है, ऐसी बात है। तो पिक्चर के रियल हीरो आप है और रियल हीरो के मेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे बाला साहब ठाकरे, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके नाम से शिवसेना चलती रहेगी, क्योंकि शिवसेना आप शिवसेना के मोहताज नहीं है, वो चिन्ह आपके पप्पा के नाम का मोहताज है, ये बात है। तो बात ये है, बाकी देखो हमको किसी को गलत सही नहीं कहना है, या आज की तारीख में जो हो रहा है, यहाँ वहाँ झगड़े लग रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा नवरात्रि का महीना चालू है, रमज़ान का महीना चालू है, लोग रहना चाहते हैं साथ में, हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमें नहीं लड़ना है, प्लीज़ महाराष्ट्र का माहौल मत ख़राब करो, आए दिन कहीं पे भी मारी मारा हो रहा है, ये एक तरह से सब लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झगड़ा लग रहा है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती मत करिए ऐसा कुछ भी, नहीं लड़ना है किसी को कहीं पे, किसी को कहीं से, इसकी वजह से बड़े लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, आम जनता को तकलीफ होगी, अभी हमारी कमर टूट चुकी है, लोग कहते हैं ना नोटबंदी ने कमर तोड़ दी थी 2 साल, उसके बाद कोरोना महाकाल ने 3 साल कमर तोड़ दी, अगर अभी फिर से ये सब होगा तो बहुत बुरा होगा,
उल्टा इस पे ध्यान दीजिए कि अभी 2 साल बच्चे स्कूल नहीं गए थे, जुम्मा जुम्मा अभी 1 साल स्कूल खुला है, स्कूलों पे ध्यान दीजिए, बारिश होने की वजह से खेत बर्बाद हो गए, वहाँ किसानों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा तो सोचिए। सोलापुर से उधर से लोग चल चल के बॉम्बे तक आए, पब्लिक ने अपनी अपने आप का खो दिया, तो इधर से चल के आए, कम से कम उनके पैरों के छाले का मान रखिए। ये जो छोटी मोटी बातों में ध्यान रखिए कोई मतलब नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ सबका नाम खराब होगा। अगर नाम कमाना है तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। 14 अप्रैल हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म उत्सव आ रहा है, जयंती है। आप सोचिए उस दिन इतना बड़ा दिन साजरा क्यों किया जाता है, क्यों उनको देव कहा जाता है। गाना है ना कि तुमको देव कहूँ या क्या कहूँ, क्यों उनको क्यों देव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब कामों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने औरतों को मान सम्मान करना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, नीचे वर्ग के लोगों को, आज की तारीख में नीचे के वर्ग के लोगों को अच्छा खासा काम धंधा मिल रहा है, तो पहले मिलता ही नहीं था। आज सब कुछ मान सम्मान की वृद्धि हो रही है, हमारे ब्राह्मणों में उनको दामाद कहा जाता है हमारा, बहुत बड़ी बात है। सर आंखों पे उनकी बात, उन्होंने संविधान लाया, कितनी सारी बातें की हैं, कम से कम उनसे तो सीखो। मैं देखो किसी को गलत नहीं कर रही, अगर मेरी बात जरा भी बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी, लेकिन मैं किसी के नाम से किसी को गलत नहीं कर रही, बस ये कह रही हूँ कि ये झगड़ा झंझट बहुत हो रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, माहौल मत खराब करो, क्योंकि उसकी वजह से ना झगड़ा झंझट होता है। आप सब लोग तो अपने घर में बैठ बैठ के टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, फालतू में आम पब्लिक मर रही है। आम पब्लिक को क्या, फिर मजबूर है मुझे ताले का काम करना पड़ेगा। और एक बात होता है, जो रात को मैंने काम किया है और आज अभी मैंने जो आज हवन किया है, उस हवन के बाद ये बोल रही है विद्या देवी कि जिस तरह से कोरोना महाकाल गया ना, उस तरह से इस देश में कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम एक से नहीं लड़ेगा, सब अपने आप को समझ के लेंगे, एक दूसरे को समझ के लेंगे, बात देख लीजिएगा। मुझे अपने ख्वाजा जी पे बहुत नाज है, मुझे अपने सुल्तान जी पे बहुत भरोसा है। बीमारी आती तो बारिश आती है, बारिश शुरू है सब देशों में, और ये बात पक्की है कि मेरा तालों का काम तो 2024 तक चालू रहेगा। अभी मुझे कुछ लोगों का और रखना है चालू, और दूसरी बात है अब जो काम हो गया है, सॉरी वो कंघी हाथ में लेके, अब जो काम हो गया है उसके हिसाब से जो रिजल्ट आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मैंने पूरे 9 दिन में बहुत मेहनत की है, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब है थोड़ी सी, क्योंकि बैठे बैठे हालत ख़राब होती है। लेकिन मुझे अपने सुल्तान पे बहुत भरोसा है कि हमने जो काम किया है, और मेरी काड़ू बाई ने, मेरी काली माता ने, मेरी पावागढ़ वाली ने जो वचन दिया है मुझे, वो पूरा करेंगी। उन्होंने कहा है कि आज तूने मेरे पूजा किए ना इतनी मेहनत से पूरी, तू बस थोड़ा सा वेट कर। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो गलत है ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, गलत लोगों का साथ मत दो। अगर पता है कि ये इंसान गलत है, आप उसके साथ उसका साथ दे के अपना ही बुरा कर रहे हो। क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पहले मेन कहते हैं ना, राजा को नहीं मारती हूँ, पहले प्यादों को मारती हूँ। तो मेरा आदत है पहले प्यादों तक आना, तो मैं जिन लोगों को देख रही हूँ कि जो लोग प्यादों के साथ घूम रहे अच्छे बन रहे, तो ये याद रखना कि वो प्यादों ने कभी आपको नहीं पूछा है। समझ रहे हो, ये बात थोड़ा सा पुराना कहते हैं फ्यूचर में, जरा पास्ट में जाके देखना कि किसी ने आपको नहीं पूछा है। आप लोग अगर गलत लोगों का साथ दे रहे हो तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो काम किया अब मुझे आगे कोई काम नहीं करने, अब जो करेंगे मेरी काली माता करेंगी। लेकिन यही बोलूँगी कि मज़ा लेना छोड़ दो, कहते ना किसी के लफड़े में, किसी के पचड़े में आप लोग जो मज़ा लेते हो सब लोग, वो मज़ा लेना छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि चलो अच्छा है, लड़ रहे, भिड़ रहे, मर रहे, उसमें आप लोग जो मज़ा लेते हो ना, एक बात याद रखना, आप यहाँ बैठ के मज़ा ले रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कोई बैठा है, आपके ऊपर सुल्तान जी बैठा है, मेरी कमांडर जी काड़ू भाई बैठी है, वो जो करेंगी वो बहुत नंगा खेल करेंगी। ऐसा नहीं हो कि आप उनकी इज्जत उतारने को जा रहे हो और आपकी इधर इज्जत नंगी फिर रही हो, ये बात याद रखना। क्योंकि हमने पहले भी कहा है, आप किसी की तरफ वो एक उंगली करोगे ना, चार अपनी तरफ है। अगर आप हमारे परिवार की इज्जत उतारने को सोचोगे तो आपके भी घर में आपका परिवार है जो आराम से, मुझे तो ना कुछ करने की ज़रूरत है कुछ नहीं, मैं तो पूजे से काम करूँगी, और पूजे से जो काम होता है वो बहुत बड़ा होता है, और मैं कर चुकी हूँ। जैसे मैंने उद्धव भाई को भी कहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका आदित्य भाई का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, आपकी ही जीत होगी, बाकी लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है बस। और बाकी जो मेरे पर्सनल सब लोग दुश्मन हैं उनको भी यही कहूँगी, मुझ पे ध्यान देने से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दो, नहीं तो ये बात पक्की है कि ऐसा नहीं हो कि गेहूं के साथ घुन पिसे, तुम मुझ तक आने को सोचो और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे साथ कांड हो चुका रहे।
ये बात पक्की है, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ महिला मंडल के भरोसे नहीं हूँ, ये बात याद रखो। मेरे आदमी ने पहले भी कहा था, मेरे आदमी चारों तरफ हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप और दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप मेरा सुल्तान जिन पीछे खड़ा है। वो देख रहा है कौन मेरे साथ कितना ईमानदार है और कौन मेरे साथ कितना काम कर रहा है। अगर आप मैंने आपको किसी को भी काम दिया है, चाहे महिला मंडल हो चाहे कोई भी, अगर मैंने किसी को काम दिया है, अगर वो मुझे सही इन्फॉर्मेशन दे रहे, सही मेरा काम कर रहे, तो ठीक है, नहीं तो उस बात के लिए तो सुल्तान उनको भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, का ये गलती मत देना कि ऐसा हो गया। काम करो, पैसों के लिए विद्या देवी नहीं मरी है, लेकिन पैसे लेके काम नहीं करेंगे उसके, मतलब एक सैंपल दे रही हूँ मैं, नहीं करेंगे तो वो जो सुल्तान है ना वो बहुत बेकार है। वो तो किसी को नहीं छोड़ता है, ऐसी बात है। आजमाता है तो आजमा के देख लो। बस ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ कि आज की पूजा हो चुकी है पूरी, अब मुझे कुछ काम नहीं बचा है। देखो मेरा काम तो होली के दिन पैसों का पहले ही हो चुका था, अब सबको मिलने वाला है। जहाँ तक रही पैसों का, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन तो भी इस पूरी नवरात्रि में मैंने सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने केशों को मांगा है। तो अब देखूँ माता रानी क्या करती हैं। बस जय माता रानी।